मेरे डैडी ने ही कहा कि भी आप पैसे वाल नहीं भजना जी, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा जी गल कर, कहते अपना यह जहाँ डॉक्टर बनना भी जी तो नाम चले जी डॉक्टर का। इक्की बेटे गल समझाई है जी भी दुनिया के एक नाम कमा गरीबों की सेवा करनी है गरीब परिवार को। मेरा नाम बोर्डदास है, मेरा पिंड जजला है, तो मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई मेरिटोरी स्कूल बठिंडा तो करी, तो उस तो बाद मैं नीट का पेपर दिता 2022 च, तो मेरा नीट का पेपर क्लीयर हो गया। हुण मैनू पटियाले सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS एडमिशन मिल गई है, तो मैनू अपनी फीस भरने में कुछ दिक्कत आ रही थी क्योंकि मेरे घर के हालात भी इन्ने वधिया नहीं सी ते जो कि मेरी इन्नी MBBS की फीस भर सकन। तो अज असी DC साहब के नाल फीस बारे भी गल करी, उन्होंने मैनू सपोर्ट करी भी तू फीस की तैनू कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो कोई दिक्कत आए साडे नाल तुसीं कॉन्टैक्ट कर लेना। तो बाकी मैं यही बस कहना चाहुंदा भी मेहनत करो सारे बच्चे, तो अपना वधिया काम करो। डैडी तेरे की करते? मेरे डैडी दिहाड़ी करते, दिहाड़ी करते खेतों में मजदूरी करते जी। मजदूरी करते कितने भैन भरा? असी 5 भैन भरा हैं। तीन डैडी दिहाड़ी करते हूँ, तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर पढ़ाई करके डॉक्टर बन के किस तरह फिर सेवा करूँगी? हाँ जी, मेरे डैडी ने ही कहा कि भी आप पैसे वाल नहीं भजना जी, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा जी गल कर, कहते अपना यह जहाँ डॉक्टर बनना भी जी तो नाम चले जी डॉक्टर का, भी गरीबों की मदद। हाँ जी, गरीबों की मदद करनी है, क्योंकि मेरे डैडी भी एक बार TB हो गया से इन्हों जी, साढ़े एक डॉक्टर से तलवंडी, उन्होंने बहुत मदद करी, कहते वो डॉक्टर वागू बस बनना जी, कहते भी आप गरीब तो चार्ज लेता ना लेता ना बराबर बस आप सेवा करनी है जी। अच्छा, डैडी तेरे दिहाड़ी करते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो हूँ डॉक्टर बनने जा रहे हैं? हाँ जी। तो डी साहब ने नाल चाह पीती, किस तरह? हाँ, लगे बहुत वधिया, DC साहब ने हाथ मिलाए थे खुद भी, एवं नहीं कर दिता भी टाउन टू अर्थ थी। गुरदास सिंह जी बुढ़े, दसो तुम की काम करते हो? बेटे ने कल पढ़ाई शुरू की? दिहाड़ी करना जी, बेटे ने दिहाड़ी खेतों में मजदूरी जी, तो बेटे ने MBBS की पढ़ाई करके मेडिकल की पढ़ाई करके जी MBBS का पेपर दिता है 2022 चो क्लीयर कर गया जी। वो थोड़ी सानू फीस की दिक्कत आती थी जी, फीस की दिक्कत करके फिर जो सू प्रिंसीपल ने दसाया, DC साहब ने साड़ी गलबात हुई जी, इन्होंने फीस बारे सू भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे है, बस आप एक ही बेटे को गल समझाई है जी भी दुनिया के एक नाम कमा गरीबों की सेवा करनी है गरीब परिवार चो आप। अच्छा, तुम कभी सोचा दिहाड़ी करते हो तुम्हारा मुंडा डॉक्टर बनूगा डॉक्टरी पढ़ाई करूँ, कभी सोचा? नहीं कभी सोचा। फिर हुण तुहाडे बेटे तुहाडा नाम रोशन किया? हाँ जी हाँ जी। किस तरह लग रहा है? वधिया लग रहा है जी। दिहाड़ी कितने कादी दिहाड़ी करते हो? मान लो मजदूरी अपनी खेतानी जी। देखो तुसीं दिहाड़ी करदे हो इन्ने तुहाडे पैसे नाल फिर तुहाडा बेटा पढ़िया? हाँ जी हाँ जी। ते डी साहब नाल मिलके किस तरह लगे तुहानूं? बहुत वधिया लगे जी, बहुत वधिया, बेचारे चाह पीती साडे नाल हत्थ मिलाया, वधिया गलबात कीती जी, कोई दिक्कत नहीं आउंदी दिंदे फीस। हाँ जी। अच्छा, भी तुहाडा एक बेटे ने तुहाडा नाम रोशन किया? हाँ जी हाँ जी। नहीं, आपां नूं DC साहब कित्थे मिलदे सीगे जी। होर तुहाडे किन्ने बच्चे है? चार, 3 गुड्डियां, 1 बच्चा होर है जी, 5 बच्चे है सारे। सारा च हुशियार निकले, पढ़ाई नहीं कीती? हाँ जी हाँ, सारा हुशियार है जी। की फिर हुण तुसीं आपदे बच्चे तों की उम्मीदां की रखदे हो इस तों? असीं तां इही उम्मीद रखदे हां वी जी डॉक्टर बन के लोकां दी सेवा करे, उहदा ही फायदा सानूं, बड़ा पैसा कमाउण दा कोई फायदा नहीं, गरीबां दी इलाज करे। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि तुसीं भी गरीब परिवार चों निकले हो। हाँ जी हाँ जी। होर गरीब इलाज करे। हाँ जी हाँ। होर बच्चे नूं की कहना चाहुंदे हो जिहड़े गरीब बच्चे होंदे? असीं गरीब बच्चों नूं यही कहना चाहुंदे हां वी जे वध तों वध कोशिश करके पढ़ के मेहनत करके कुछ बनन जरूर। देखिए, सरकार ने अपने उपराले दे तहत वक् वक् थावां ते मेरिटोरियस स्कूल बनाए सीगे, तो उहदा उद्देश्य यह सीगा कि जिहड़े गरीब परिवारां दे बच्चे ने उन्हां नूं भी एक मौका मिलना चाहिए कि वह भी अपनी जिंदगी विच आगे वध सकन। तो ये साढ़े ज़िले के लिए माण की गल हैगी है कि अपना मेरिटोरियस स्कूल का एक बच्चा बिल्कुल मेरिट के आधार से उन्होंने पटियाला मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल एक दिहाड़ीदार का पुत्र हैगा, बोरदास जी है अपने बच्चा, तो वो जज्जल पिंड का रहने वाला हैगा, गरीब परिवार तो है, तो मेरिटोरियस स्कूल में पढ़ के हुण अपने बलबूते से प्योर मेरिट के आधार से उसकी एडमिशन हुई है। तो आप अखबारों में पढ़िया सीगा कि बच्चे फी भरन भी किसी तरीके थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इन्होंने फी तो भर ली हैगी है, पर आप प्रशासन की तरफों रेड क्रॉस की तरफों इन्हों अज इतने बुला के इन्हों आश्वासन दिता हैगा कि इन्हों जरा फी हैगा अगे का भी इन्हों जी बुक्स हैगी या फिर होर भी किसी भी तरीके की इन्हों की लड़ जितना उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने किसी भी तरीके की सहयोग की लड़ होगी तो प्रशासन इन्हें होगी, तो आप इन्हों उ इंश्योर करना सीगा। तो मैं इन्हों इन्हे परिवार को बहुत बहुत वधाई दिता, तो मैं उम्मीद करदा कि इस बच्चे वेख के होर भी बठिंडा जिले में जो गरीब परिवार है उन्होंने बच्चे भी इन्हों प्रेरित होकर इस अपनी जिंदगी बेहतर बनाने अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाने
ਪਰ ਜਦਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।